महात्मा ज्योतिबा फुले रुहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलेटेड कॉलेजेस में स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की इस वक्त की सबसे भयंकर अपडेट आ रही है। अब ग्रेजुएशन कोर्सेज में एक साल में दो बार आपकी परीक्षाएं होंगी, यानी कि यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम जो है वो स्नातक पाठ्यक्रम में लागू कर दिया है। क्या पूरी न्यूज जानेंगे विस्तार से, बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि रुहिलखंड यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स तक आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले आप आज दिनांक 2 अगस्त 2021 की लेटेस्ट न्यूज स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेमेस्टर मॉडल में होगी अब स्नातक में पढ़ाई, यानी कि 6 मंथ में एक बार आपके एग्जाम होंगे और अगले 6 मंथ में दूसरी बार आपके एग्जाम होंगे। इस तरह से टोटल 12 मंथ यानी कि एक साल में आपको 2 बार परीक्षाएँ देना पड़ेंगी। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ये सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है, स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं। अब साल में 2 बार आपको परीक्षाएं देना पड़ेंगे। ये जो सिस्टम लागू हो रहा है ये आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। इस बारे में स्नातक पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर सिस्टम में बदलने के बाद अब छात्रों को एक साल में 2 बार परीक्षा देना होगी। अब तक विश्वविद्यालय एक वर्ष में एक बार परीक्षा कराता था, पर अब सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद विश्वविद्यालय और जो कॉलेज है वो पूरे साल पढ़ाई परीक्षा और रिजल्ट में ही जुटना पड़ेगा। मल्टी एग्जिट की इस नई व्यवस्था के तहत ग्रेजुएशन में प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यदि आप किसी कोर्स को बीच में छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह से यदि आप 2 साल की पढ़ाई करने के बाद किसी कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आपको डिप्लोमा मिलेगा। इसी तरह से 3रे वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यदि आप बीच में किसी कोर्स को छोड़ देते हैं तब आपको डिग्री मिल जाएगी और 4थे वर्ष में डिग्री और से रिसर्च मिलेगी, डिग्री के साथ में रिसर्च भी मिलेगी आपको, और 5वें वर्ष तक पढ़ाई पूरी करने पर पीजी की डिग्री आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कल ही बता दिया गया है, 31 अगस्त तक आपके जो एडमिशन है वो होते रहेंगे। आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, केवल और केवल फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो रहे हैं। किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर में यदि आप एडमिशन कराना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले एडमिशन को छोड़कर यदि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 31 अगस्त तक कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन करा लीजिए। आपको किसी भी तरह का यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है, बल्कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लेकर आप कॉलेज में तुरंत कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपका एडमिशन निश्चित रूप से हो जाएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।